हे वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। लास्ट ब्लॉग आपने देखा कि हम लोग जा रहे हैं पुणे, पुणे की सारी तैयारियां हो गई हैं और अभी भी आपको बताती हूँ पूरा बैक कैमरे से। ये देखो यहाँ से देखो बैग जम गया, बैग अब बंद नहीं किया क्योंकि कुछ कुछ रखी रही है मम्मी, सारी चीज़ें इसमें रख रहे हैं, ड्रेस वगैरह रखी हुई, कपड़े प्रेस हैं। मम्मी ने बनाई है पूरी ये रही सब्जी, बैंगन की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रही है जो गिर गई है, और घर तो आप देख ही सकते हो। मेरा रूम थोड़ा क्लीन करके जा रही ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। मेरा किचन मैंने बर्तन सारे धो दिए ताकि मम्मी को बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, सडन प्लान बना है, 10 बजे प्लान बना है, 11 बजे पैकिंग करी और बस आज निकल रहे हैं। सुबह 10 बजे निकलना था, बज गई है 12। ये एक सरप्राइज़ प्लान था मेरे लिए और ये हमें करना भी चाहिए, मतलब चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर रिश्ते में आपके थोड़ी बहुत अनबन है तो उसको दूर करने के लिए जैसा जिसको सूटेबल लगे। लाइक किसी को ऐसा होता है कि बात करने से, किसी को घूमना पसंद होता है, मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब शादी के पहले उतना घूम नहीं पाई पर मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए माई ने मेरे लिए एक ट्रिप प्लान कर ली। गोलू भैया को इसलिए लेके जा रहे ताकि थोड़ी सी सेफ्टी रहे, इसलिए गोलू भैया को साथ में लेकर के जा रहे, और गोलू भैया किसी को साथ में लेकर जा रहे ताकि उनकी सेफ्टी रहे। बोर हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरी देवरानी ऐसी रहेगी। देवरानी भी तो चल रही है। कहीं लगता है कि इन दोनों को एक दूसरे में प्यार है और मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी ऐसी देवरानी। तो मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी मैं ऐसी देवरानी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो मम्मी बोलती है तो तुझे क्या लग रहा है क्या मैं उसको घर में लेके, ऐसी बहू मैं घर में लेके आऊँगी? पर गोलू भैया को प्यार है तो क्या कर सकते हैं, प्यार तो प्यार होता है। यो सो मिशु हो गई रेडी, मैं भी लगभग लगभग रेडी मान सकते हो आप मुझे भी, क्योंकि गलत नेल पेंट चुनती मैंने, क्यों सूख गई, दूसरी लगा लो। मैं भी दिखूं तो आप मेरी हालत देख सकते हैं। अभी मैं गाड़ी थोड़ी ऑर्गेनाइज करके आया हूं, मैं दोबारा जाएंगे थोड़ा उसको, नहीं तुम्हारा वो वाला एक्सप्रेशन, नाखून बड़े वाला मैं नाखून बड़े बड़े नेल पेंट जाता हूं। वापस कब हो, वापस हो पूरे पैर चिता लिए मैं जरा जरा से पैर नहीं है, खटाक भर के नाखून नहीं है, देख सकते हो पूरे पैर चिता दिए क्योंकि नेल पेंट लगी नहीं रही। अरे यार चाची देख लो ये गेट खुला है ना, तेरे को सपना आ जाता क्या भाई? ए पागल तेरे लिए को ना कर, ए पागल है क्या तू, ये बोले चीची कर दू। अरे तो कैसी लग रही है देखते एक कंपनी से, खाना है तो हाँ खाना है वो का खाना है वो। अब खाना खा के ही जा रहे हैं क्योंकि 12:30 बज गई, वहाँ पे रुकेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी देवरानी, आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको देखने मिलेगा कि गोलू भैया ने एक लड़की पसंद करी है, लड़की लड़की के नाम पे धब्बा है, वो धब्बा लड़की के नाम पे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अब के इसकी खुशी खातिर, हाँ इनकी खुशी के खातिर हम एडजस्ट कर लेंगे, कुर्बान कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे खुद को एडजस्ट कर लेंगे, बस उसको एक दिन रखेंगे और दूसरे दिन हम उसको लात दे के भगा देंगे। हाँ माही, ओ माही मावत है किशोर अर्जुन के नाम से लॉगिन हो गई। हाँ आ जाओ बेटा खाओ ना माही। हाँ फोन तो चालू रहेगा माही। यस आज अपनी देवरानी को दिखाने वाली हूँ ब्लॉग में, जो गोलू भैया के साथ जा रही है। फाइनली टाइम आ गया है मम्मी की बहू को दिखाने का। मैं रुक एक मिनट, मेरी बहू की मुंह दिखाई कर रही मम्मी, पर मैं देवरानी के रूप में नहीं एक्सेप्ट कर सकती, बस बोल हुआ। भैया गोलू भैया जल्दी आओ, तेरी बीवी आई है।
ला 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 ला। तो हमको शक है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ है। कल हमने रात को गोलगंज से पूछा, गोलगंज से कृष्णा से प्यार व्यार तो नहीं बता रहे कितना बार ना रहा कर तो नहीं रहा भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर तुम लोग इतना साथ में क्यों रहते हो? थोड़ी नजाकत से चल भाई, ससुर है सामने। हाँ दुपट्टा ले और मुड़ा। खाना रखना है ना तेरे लिए, तेरे लिए खाना रखना है ना, दिन में भूख लगेगी। खाते रख लेते ना, खा लेंगे। चलो फिर तो अभी अभी आ गया, खाना भी खा लिया, आप निकले। पीहू आप रेडी हो? अरे रख ली ना साबुन नहाने की, मेरे बैग में रख ली मैंने, साबुन ही रखी है नहाने की। तो बजरी है 1:15 और अभी हम लोग हो गए। क्या हुआ बेटा? चल रहे हैं ना? चल रहे चल रहे बस चल रहे अपन चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे आशीर्वाद लेते हुए चलो। इसका मुंह खराब मत करना है, कोई भी एक दूसरे का मत करना खराब। पापा सही बात बोलते हैं, बस छोटी सी गलती मत करना कोई सी भी, इससे अपना को लंबा कोई वादला हुआ ना कोई ऐसे मतलब परेशानी में खड़े हो, बस ये ध्यान रखना। मंदिर के पेड़ पर सर हमारी है ये भी ले, देवरानी को काम करना चाहिए। जाए मम्मी पापा तेरे पास मम्मी मेरा लगी। हाँ कोई बात नहीं, चप्पल थी पापा जा रहे हम भैया बताया ना, मैं नहीं मिल रहा है यार, मेहनत वो है ना जो बड़े वाले जमाई है, आरती है ना आरती दीदी उनके पापा और दादू दादू आ जाओ बेटा, हाँ घूम के आओ, बाय 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 बाय, अच्छे से घूम के आओ, अच्छे से घूम के आओ, बाय बाय बेटा। हाँ बेटा हाथ ऊपर करो, चलो बाय।
वही बात कर रहा था। तो थोड़ी सी बारिश हो गई इसलिए हमने ले लिया है भुट्टा। इन दोनों को देखो जरा, तुम तो दोनों एक दूसरे में बोर हो रहे हो रे। बोर नहीं हूँ, बोर हैं क्या? क्या बोल रहे हो? स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे देवरानी जेठ जी के साथ बर्तन धोते हुए। देवरानी जी, आपको जेठ जी से कराते हुए शर्म नहीं आ रही? आप खुद नहीं कर सकती क्या? दांत दिखाती रहती है हमेशा, हैं? बच चुके हैं सात, सात से ज़्यादा ही टाइम हो गया, पर यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ और मुझसे उठते नहीं बन पा। और इसके बिना तो आपको पता ही है अपन अधूरे हैं। हाँ हाँ हाँ, हवा अच्छी चल रही है। नीचे देखो पत्थर कितने हैं। यहाँ चलो, चिप्स नहीं लाए तुम दोनों? नहीं है, लोकल ब्रांड की चिप्स है उसके पास। चाय अच्छी नहीं थी तो चिप्स कहाँ से दे रहे? चिप्स का ताकि बना के चल रहे। ए ओझा गाड़ी चलाएगा? ए भाई देख, पहली बार बैठ रहे ना, उन्हें तक अच्छे से जाना है ना। बीवी गाड़ी चलाएगी और पति बैठेगा, वाओ कितने गर्व की बात है। मुझे नहीं आती पर मेरी देवरानी को तो आती कम से कम गाड़ी चलाना। तो रात के हो चुके हैं 12:30 हो रहा है और इतने ख़तरनाक रास्ते से आए हैं हम लोग कि हम लोग को जाना पुणे था, पर नासिक में हम लोग रुके हैं। नासिक में सप्तशृंगी की माता है तो वहाँ जाएंगे क्योंकि कभी गए नहीं है। क्यों को देख लो, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। एकदम जंगल का इलाके, पहाड़ी इलाके से आए ना तो बहुत डर लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। बस अभी पहुँचे ही हैं, अब रूम भी काफ़ी महंगे दे रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग अभी आज तो एक ही रूम ले रहे हैं। रूम में फालतू पैसा वेस्ट करने से मतलब नहीं है ना, मतलब रुकना हो अगर अपने को, स्टे ज़्यादा हो तो चलेगा, पर सुबह उठ के जाने ही 8 बजे तो इतना कॉस्टली रूम लेने का, दो रूम लेने के कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक ही रूम ले रहे हैं अभी। तो कल से देखेंगे क्या होता है। कुछ इस तरीके से हो रहा है मैनेजमेंट, ये दोनों नीचे हम लोग ऊपर, और ब्लैंकेट भी इतना ख़राब दिया है भाई साहब ने, तकिया नहीं दिया है, तकिया। एक गोलू भैया ब्लैंकेट भी दो लेकर आओ उससे, गोलू भैया दो ब्लैंकेट का बोल रहे हैं, ये भी बहुत छोटा ब्लैंकेट है, बहुत ही ख़राब। और ये सब मेरे पति की वजह से हुआ। जब मेरे पति को हमने अच्छी जगह बोला ना, अच्छी सिटी में, कि वहीं रुक जाओ, वहीं यार सो जाते हैं, यहाँ रुक जाओ, तो ये रुके नहीं। और अब ये यहाँ लेकर के आए हम लोगों को, क्या बोले। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कहाँ पे? सप्तशृंगी माता पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर दूर है मंदिर। और जो कि शाम का व्लॉग जो था आप लोगों ने देखा होगा, तो मैडम थोड़ी नाराज थी। ये व्लॉग है तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि मैडम शाम को थोड़ी नाराज़ थी क्योंकि हमें क्या है ना कि रूम अच्छे नहीं मिल रहे थे, बट ठीक है नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी इसलिए हमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। बाकी अभी हम इनकी नाराज़गी दूर करने के लिए इनको हम बाहर लेके आए हैं कि देखो ज़रा यहाँ का मौसम कितना प्यारा है। अरे आ जाओ, अरे कुछ नहीं हो रहा यार, कहीं नहीं हो रहा कीचड़। ओ वाव, देखो अभी अगर अपन उठ के अगर ऊपर चल जाते ना मजा आ जाता, अभी अपने ऊपर ही जाना है। चलो ना तो फटाफट चलते हैं, वही बनाएंगे अपन मैगी वैगी। हाँ चल वही बनाते हैं। वाह 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 वाह
क्योंकि अब जो है वो नेक्स्ट व्लॉग जाएंगे वहाँ का आएगा। सो इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ पे एंड इसी के साथ। अब हम लोग जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो व्लॉग आएगा आपका, जो हम जाने वाले सत्संग माता वहाँ का और जो भी चीज़ रहेगी उस व्लॉग में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।